फ्रेंड्स, बाहर क्यों आई जा रहा है यूट्यूब पे? आज देखिए, मैं बनाऊंगी कुछ अलग सी रेसिपी। मेरे पास पड़ी है पूरियां, बनाई थी मैंने, तो आज बनाते हैं पूरियों की कोई अच्छी सी रेसिपी। हमारे पास घर में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो पूरी या सब्जी या कुछ भी बच जाता है, उसे आप फेंके नहीं, उसे आप दोबारा कुछ ना कुछ रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। मैंने ली है बंद गोभी और ली है मैंने गोभी, ये मैंने धो ली है, उल्टी करके रखी है ताकि पानी इसका निकल जाए, इसको भी मैंने धो लिया है। तो मैंने लिया है ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। अदरक को मैंने क्रश कर लिया है, प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। तो मैंने लिया है एक नींबू, थोड़ा सा ये पनीर है, और ये है थोड़ी सी गोभी, और ये है हमारी बंद गोभी, और है टमाटर, ये भी लिया है। बाकी स्पाइसेस हमारे सेम ही होंगे, ये देखिए स्पाइसेस हमारे सेम ही होंगे। मैंने रिफाइंड डाल लिया है, थोड़ा सा ही डालना क्योंकि जो पूरी होती है वो भी फ्राई की होती है घी में, तो उसमें भी ऑयल भरपूर मात्रा में पहले से ही होता है। जी हम डाल देंगे अपने जो हमने चॉप किया था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं इनके, ये देखिए ऐसे ये मैंने कर लिए हैं लंबे लंबे पीसेस इनके। इनको हमें पूरी को ऐसे रखना, ऐसे रखा, ऐसे हमें इसको काटना है। जब वो पूरी बासी हो जाती है ना तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो इसको थोड़ा दम लगा के ही काटना है बस। I've been following all the episode. Best couple. आप दोनों, but हाल ही में कुछ separate. इनको ना हमें बस इतना ही रखना है कि ताकि इनका कच्चापन चला जाए। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे अपने मिर्ची, और डालेंगे हम इसमें हल्दी, नमक, अभी आपको ना इसमें घी मतलब थोड़ा तेल कम लग रहा होगा लेकिन कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरी फ्राई की होती है ना, इस वजह से। अब हम इसमें डाल देंगे, दो मैंने लिए थे टमाटर। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, अब हम डालेंगे इसमें बंद गोभी, इसमें अपना ही पानी होता है तो ये अपना पानी छोड़ देगी, तो टमाटर अपने आप हमारा पक जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी
गोभी इसमें आप चाहें तो टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नींबू डालूंगी, आप सिरका भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस और थोड़ा सा डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून तक सिरका, बस, क्योंकि हम इसमें नींबू भी ऐड करेंगे। सोया सॉस से ना इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए हमने इसमें सोया सॉस डाली है। देखिए बंद गोभी ने पानी छोड़ दिया ना, तो हम अब डाल लेंगे अपनी जो हमने पूरियां चॉप करके रखी थी, वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन मैंने शेयर नहीं की आपके साथ मैंने बोला लोग मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो कर देते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी रह गई तो इसे हम काट लेंगे, साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पनीर, आप भी बना करके देखिएगा फ्रेंड्स ऐसी रेसिपी, क्योंकि ये जो पूरी होती है ना ये गाय माता भी खाती नहीं है, नहीं तो हम उनको दे सकते हैं। और मैंने सोचा चलो बनाई है तो इसका कुछ अलग रेसिपी क्यों ना तैयार की जाए इसकी। नींबू से अच्छा सा टेस्ट आ गया इसमें। हम थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिला डालेंगे, मतलब जो बोलते हैं ना न्यूट्री का चूरा होता है वो, ऐसे ही डालेंगे हम, भिगो के नहीं डालेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें न्यूट्री का चूरा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो गई। रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, देखिए टेस्टी भी उतनी ही टेस्टी होगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी? आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया है नींबू, ये देखिए नींबू है, ऊपर मैंने पनीर डाल दिया गार्निशिंग के लिए इसमें भी। तो ये है एक, इसमें मैंने रख दिया 4 मिर्च। देखिए कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी, आप जैसे मर्जी सर्व कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे किया है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स लाइक कर दिया कीजिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत हौसला मिलता है आगे काम करने का। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगते बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। फ्रेंड्स देखिए कैसी लगी, चलो टेस्ट करके देखो। फ्रेंड्स आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, क्या है जी आनू? स्वाद है, स्वाद है जी, बच्चे कहने स्वाद है। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो शेयर कर दीजिएगा।
मैंने आज बताया कि आप अगर हम घर पे कुछ भी बनाते हैं तो हमेशा तकरीबन कोई ना कोई चीज़ हमारे घर में बच जाती है, तो उसे वेस्ट मत करें, उसे दोबारा बना करके खाएं। अच्छी लगी तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने दो बार बोल दिया। थैंक यू, लव यू लॉट। देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया, मजा आ गया खा करके। आप भी बना के खाइए, बची हुई कोई चीज बच जाती है तो उससे ऐसे ही कुछ ना कुछ बन जाता है। देखिए बच्चे कितने मज़े से खा रहे हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया।